वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आज का टॉपिक है FPO। ठीक है, FPO मींस फर्दर पब्लिक ऑफर, और कुछ कुछ लोग इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बुलाते हैं। ठीक है, सो FPO के पहले हमें IPO के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने IPO का वीडियो नहीं देखा है अब तक, सो मेक श्योर कि आप पिछला वीडियो जो है IPO का वो देख लीजिए। सो विल कंटिन्यू विद FPO पार्ट, फर्दर पब्लिक ऑफर और यू नो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो FPO क्या होता है? FPO कौन सी कंपनी इशू करती है? जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो कंपनी FPO इशू करती है। ठीक है, जो कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जा रही है वो IPO लिस्ट करती है। ठीक है, IPO के साथ में आती है। सो द कंपनीज विच आर ऑलरेडी लिस्टेड इनटू इक्विटी मार्केट कम अप विद FPO। अब कंपनी FPO क्यों रेस करती है? क्योंकि IPO में तो पहले ही उन्होंने पैसा रेस किया हुआ है। सो FPO में पैसा रेस करने का कारण क्यों? सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक रीजंस व्हाई कंपनी कम अप विद FPO। सो हो सकता है कि कंपनी ने IPO किया सपोज 5 से 10 साल पहले, और उनको अभी वापस से कुछ एक्सपांशन की नीड आ चुकी है। सो एक्सपांशन के लिए उन्हें कैपिटल लगता है। सो इट मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई कंपनी कम अप विद एन FPO। हो सकता है सेकेंड रीजन माइट बी कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़रा डेट अक्यूमुलेट हो चुका है बैलेंस शीट में, एंड टू रिड्यूस दिस डेट कंपनी FPO इशू करेगी, इक्विटी शेयर इशू करेगी, और वो पैसा जो भी आएगा वो लेके डेट को कम कर देगी। सो दिस आर सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई कंपनी कम अप विद FPO। नाउ देयर इज अ जनरल मिसकंसेप्शन इन टू स्टॉक मार्केट कि FPO के वजह से कंपनी का EPS जो है, अर्निंग्स पर शेयर, वो रिड्यूस हो जाएगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट कंसेप्शन, इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज दो टाइप के FPO होते हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूटिव FPO एंड सेकेंड इज नॉन डाइल्यूटिव FPO। डाइल्यूटिव FPO में क्या होता है ना कि कंपनी न्यू शेयर्स को इशू करती है, उसके वजह से आपका इक्विटी शेयर्स का जो बेस है वो बढ़ जाता है, एंड वंस द इक्विटी बेस इंक्रीजेस आपका EPS है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये पूरा मैं आपको EPS वाले टॉपिक में फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डाइल्यूटिव FPO में आपका EPS डेफिनेटली रिड्यूस हो सकता है। नाउ देर इज अनदर FPO विच इज कॉल्ड एज नॉन डाइल्यूटिव, जहाँ पे प्रमोटर्स खुद ही अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर देते हैं या फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। सो वहाँ पे आपका EPS डाइल्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज सेम, क्योंकि हमने कोई नया इक्विटी शेयर रेज नहीं किया हुआ है। सेम इक्विटी शेयर जो प्रमोटर्स के पास में था या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास में था, उन्होंने इशू कर दिया पब्लिक को। सो दिस वॉज सम मिसकंसेप्शन अबाउट FPO। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन पास्ट वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन 2021, इन 2020 समथिंग, यू नो 2020 जुलाई, येस बैंक केम अप विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट FPO विथ अ यू नो प्राइस बैंड ऑफ समथिंग अराउंड 12 रुपीज़ पर शेयर, 1000 रुपीज़ का एक ईच लॉट था, एंड 15,000 करोड़ रुपीज़ येस बैंक ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों पैसा रेज किया था, काफ़ी सारे NPA बढ़ गए थे, बैलेंस शीट वॉज गेटिंग वेरी ओवरस्ट्रेच, तो येस बैंक ने 2020 में 15,000 करोड़ का FPO इशू किया था, एंड इट वॉज नो थैंकफुली फुली सब्सक्राइब। एंड द सेम मैकेनिज्म अप्लाइज, यू नो लाइक ASBA का, SBA का जो पूरा एक कंसेप्ट होता है, जैसे आप पैसा अप्लाई करते हो, पैसा जाता है, इट इज़ नॉट गेटिंग डिडक्टेड बट इट इज़ गेटिंग ब्लॉक फॉर पर्टिकुलर टाइम, एंड वंस यू आर इशूड इक्विटी आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो सेम जो IPO में SBA का कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया था, एक्सप्लेन किया था, वो सेम FPO में भी अप्लाई होता है। सो आप मेक श्योर IPO वाला वीडियो चेक कर लेते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वॉट एवर द नेम यू से, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कॉमेंट ऑन दिस एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो डेट दे मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन टू द स्टॉक मार्केट एंड अवॉइड मेकिंग लॉसेज। विद थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।